श्री किरोड़ीमल खंडेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं ब्यावर शिक्षा विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में चांदमल मोदी राजकीय पुस्तकालय में तैयारी की गई। अपनी लाइब्रेरी सोमवार को उद्घाटन के पश्चात स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए शुरू हो गई। लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए सोमवार शाम को चांदमल मोदी पुस्तकालय में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, SDM गौरव बुड़ानिया, तहसीलदार लालाराम, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त श्रवणराम चौधरी, डिप्टी राजेश कसाना, ट्रस्ट अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल तथा प्रेरक राजेंद्र सोनी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने शिलालेख पट का अनावरण करते हुए अपनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी के उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कराने वाले के बाद आज अपनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अपनी लाइब्रेरी पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शांति से अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। ये लाइब्रेरी प्रतिदिन 4-4 घंटों के अंतराल से 3 शिफ्टों में संचालित की जाएगी। अपनी लाइब्रेरी का समय सुबह 7 से शाम 7:30 बजे तक संचालित होगा। आज लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार किया गया है, उसके इनॉग्रेशन के लिए हम सब यहाँ आए थे। इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाई है हमारे SDM गौरव बुड़ानिया जी ने, यहाँ के भामाशाह खंडेलवाल जी ने और खंडेलवाल फैमिली ट्रस्ट ने और राजेंद्र सोनी जी ने। तो मैं तो इन तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी जल्दी 15 दिनों के अंदर इन्होंने पूरा जीर्णोद्धार किया है और अच्छी सी लाइब्रेरी बनाई है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि आप एक बार अंदर जाके देखें। बढ़िया फर्नीचर लगाया है इन्होंने, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की है, फ्लोर बढ़िया किया है और AC भी लगवाया है, इन्वर्टर भी है, कोई कमी नहीं है। बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बढ़िया हासिल कर सकते हैं। आजकल जैसे कि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बैठने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। अब जो बच्चे शहर के ही रहने वाले हैं और घर में खुली जगह है, बढ़िया है, तो उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं जो ब्यावर पढ़ने आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर में उतनी जगह नहीं हो या शोर शराबा ज्यादा हो, उनको पढ़ने की जगह की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बच्चे यहाँ पे सामान्य शुल्क में 100 रुपये प्रति महीने के शुल्क में आ सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं।